भारतीय क्रिकेट टीम में ऑलराउंडरों की हमेशा से कमी रही है। भारत के ऑल टाइम बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ियों की बात करें तो कपिल देव, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या व रविंद्र जडेजा को छोड़ अन्य कोई नाम जहन में नहीं आता। शायद यही वजह है कि टीम इंडिया ICC टूर्नामेंट में जाकर खिताब जीतने से अक्सर चूक जाती है। हालांकि एक दो साल से वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे के रूप में कुछ अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर टीम में आए हैं, जो हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा की कमी को पूरी करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में तमिलनाडु का एक युवा क्रिकेटर मौजूद है जो खुद को देश का नंबर वन ऑलराउंडर बताता है। आइए विस्तार से जान लेते हैं आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। हाल ही में साई किशोर ने ये दावा किया है कि वर्तमान में वह टीम इंडिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन ऑलराउंडर में से एक हैं। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही। बता दें कि साई डोमेस्टिक क्रिकेट में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही वह भारत के लिए 3 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं देश के सर्वश्रेष्ठ स्पिन ऑलराउंडरों में से एक हूँ। मुझे टेस्ट मैच खिलाओ, मैं तैयार हूँ। जडेजा वहाँ हैं, मैंने उनके साथ कभी भी रेड बॉल प्रारूप में नहीं खेला, इसलिए मेरे लिए ये अच्छा अनुभव होगा। वह जो करते हैं उनसे सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर साई किशोर के करियर की बात करें तो साई किशोर का जन्म 6 नवंबर 1996 को चेन्नई में जन्मे साई किशोर ने 39 फर्स्ट क्लास मैचों के अलावा 54 लिस्ट ए मैच खेले हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 166 विकेट और 729 रन दर्ज हैं। वहीं लिस्ट ए में उन्होंने 92 विकेट चटकाए हैं, उसके अलावा 402 रन भी बनाए हैं। पिछले साल चीन में खेले गए एशियन गेम्स के दौरान 27 वर्षीय खिलाड़ी को भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। 3 मैच खेलकर उन्होंने कुल 4 विकेट अपने खाते में दर्ज करवाए थे। फिलहाल ये खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसे में देखा जाए तो साई किशोर दलीप ट्रॉफी की तैयारी में लगे हुए हैं, और अगर वे इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यकीनन उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल समय को देखें तो टीम इंडिया में एंट्री पाने के लिए कई खिलाड़ी जो दिन रात मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे ईशान किशन की बात हो या अन्य किसी खिलाड़ी की। लेकिन देखा जाए एक दो सालों में तो वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने अच्छा प्रदर्शन टीम के लिए करके दिखाया है। इसके अलावा इन दोनों ही खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बदौलत टीम इंडिया में शामिल होते हुए नजर आते रहते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की कमी पूरी करने के लिए प्लेयर्स अपना पूरा दमखम लगाते हुए नजर आते हैं, ताकि टीम इंडिया में वो कमी ना देखने को मिले और जो ऑलराउंडरों का सूखा देखने को मिलता है उसे वो खिलाड़ी पूरा कर सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।